पैकेट का साइज दिखाऊं आपको गाइस? यार ये देखो आप, ये हमें जब भी आपके अंकल चाचा जो भी आते हैं और आपको छोटे छोटे पैकेट्स में देते हैं, मास्टर स्टॉक यही है गाइस। तो इसमें चार तरह के फ्लेवर्स होते हैं, चार तरह की मैंने आपको नगेट्स दिखा दी, तरह की आलमंड किसेस और मिल्क चॉकलेट किसेस, डार्क चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी फिल्ड चॉकलेट, और आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। गाइस वेलकम टू इंडी फ्लेवर्स, और मेरा नाम है अक्षय और मैं हूँ इस वक्त बॉस्टन में, और आज मैं आपके लिए लाया हूँ 12 तरह की हर्शीज़ की चॉकलेट्स। दोस्तों वैलेंटाइंस डे आ रहा है और चॉकलेट्स आपको पता ही है, चाहे आपकी वाइफ हो चाहे गर्लफ्रेंड हो, चाहे चॉकलेट्स की डिमांड्स आपको पता ही है बढ़ने वाली है, और इसीलिए मैं आपके लिए लाया हूँ 12 तरह की चॉकलेट्स। अगर आप इंडिया में हैं तो आपने हर्शीज़ चॉकलेट का नाम ज़रूर सुना होगा। आपके मामा हो, चाचा हो, कोई भी हो, अंकल हो जो बाहर से आए हों, वो आपके लिए हर्शीज़ की चॉकलेट ज़रूर लाए होंगे, और अगर नहीं भी लाए तो मैं आपको दिखाऊंगा कि यूएस में जो सबसे फेमस चॉकलेट का ब्रांड है उसके कौन से फ्लेवर्स होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गो। तो गाइस सबसे पहले शुरू करते हैं ये स्ट्रॉबेरी फिल्ड चॉकलेट से, जो ये हर्शीज़ की वैलेंटाइन स्पेशल है। ट्राई करते हैं यार, मस्त लग रहा है यार। यार ये वीडियो बहुत ज़्यादा मीठी होने वाली है, इट्स गोइंग टू बी एक्सट्रीम शुगर रश। चॉकलेट कमाल की है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर कमाल का है, बहुत अमेजिंग है। ये इनकी किसेस हैं, स्पेशल वैलेंटाइंस डे किसेस हैं, और इसमें शायद कोई फीलिंग भी है। ये देखिए, अभी मैं आपको इसकी नॉर्मल केसेस भी दिखाऊंगा, बट ये देखिए यार, ये इसकी वाइट चॉकलेट और मिल्क चॉकलेट का मिक्स है शायद, और इसमें मिल्क चॉकलेट की फीलिंग है। अगर आपको मिल्क चॉकलेट अच्छी लगती है तो आपको ये बहुत सही लगने वाली है। ये भी सेम ही है गाइस, सेम है पैकेजिंग में है ये है और ये है। पैकेजिंग अलग है बट टेस्ट तीनों का सेम है। तो अब ट्राई करते हैं ये नगेट्स। ये चार तरह के फ्लेवर्स हैं इसमें, तो सबसे पहले जो इसका है मिल्क चॉकलेट विद आलमंड, सबसे पहले ये ट्राई करते हैं। ये देखिए, ये बाहर से नॉर्मल प्लेन मिल्क चॉकलेट है, बट इसके अंदर से दिखाता हूँ आपको। ये दिख रहा है आपको एलमंड्स, मस्त है। मिल्क चॉकलेट कमाल की है गाइस, और उसके अंदर भुने हुए एलमंड्स हैं यार, रोस्टेड एलमंड्स हैं, और उसमें हल्का सा सॉल्ट डाला हुआ है स्वीटनेस को बैलेंस करने के लिए, बहुत अमेजिंग है ये। ट्राई करते हैं मिल्क चॉकलेट। ये इसकी प्लेन मिल्क चॉकलेट है, इसके अंदर कोई फीलिंग नहीं है, प्लेन चॉकलेट है ये, इसमें कोई फीलिंग नहीं है। मुझे लगता है कि चॉकलेट प्लेन ही अच्छी लगती है यार, उसमें बहुत ज़्यादा स्टफिंग करो, ये करो वो करो, अच्छा नहीं लगता। अब ट्राई करते हैं ये है इनकी एक्स्ट्रा क्रीमी मिल्क चॉकलेट विथ टॉफी एंड आलमंड्स। इसके अंदर भी एलमंड्स हैं और टॉफी है। मुझे पता नहीं टॉफी किस चीज की है, शायद कैरमल की है, और इसमें जो क्रंच आ रहा है ना टॉफी का, वो बहुत सही आ रहा है। ट्राई करते हैं ये एलमंड्स वाली विद डार्क चॉकलेट। एक्चुअली मुझे जो है पर्सनली वो डार्क चॉकलेट पसंद है, बट थोड़ी सी कड़वी होती है क्योंकि, बट शायद आप लोगों में से कई लोगों को डार्क चॉकलेट पसंद ना, बट मुझे पर्सनली डार्क चॉकलेट अच्छी लगती है। बाहर से भी देखो ये डार्क है यार, इसके अंदर भी वही आलमंड्स, सेम ओल्ड आलमंड्स।
हल्की सी कड़वी है जो डार्क चॉकलेट यूजली होती है, बट मुझे पर्सनली डार्क चॉकलेट ही पसंद है यार। तो ये आलमंड वाली किस है, और ये भी ट्राई करते हैं। तो इसमें भी सही लग रहा है ना आलमंड। मिल्क चॉकलेट जो है इसका भी टेस्ट अलग आ रहा है यार, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है इसका। ये हर्शीज की स्पेशल डार्क चॉकलेट है शायद कोई, तो ये ट्राई कर लेते हैं। प्लेन डार्क चॉकलेट है गाइस, कोई फिलिंग नहीं, कोई स्टफिंग नहीं, जस्ट सिल्की स्मूथ चॉकलेट, प्योर सेंट। अब जो चार फ्लेवर्स आने वाले हैं वो ये हैं गाइस। सबसे पहले है ये क्रैकर्स, इसमें लिखा हुआ है हर्शीज क्रैकल विद क्रिस्पी ड्राइज। तो इसके अंदर ना मुझे पता नहीं, मुरमुरे होते हैं ना शायद वो चीज़ होती है जो क्रिस्पी पफ्ड राइस होते हैं। तो ये आलमंड नहीं है, इसके अंदर ये आपको एजेस दिख रहे होंगे, ये एजेस दिख रहे हैं ना आपको, ये इसके राइस क्रिस्पीज हैं। आपको बोला ही था गाइस ये वीडियो जो है वो शुगर रश होने वाली है, बट बहुत अमेजिंग है गाइस। हल्की सी क्रंच है इसमें, और अब मैं आपको दिखाता हूँ मिस्टर गुड बार, ये पीनट्स के साथ है, इसके अंदर पीनट्स की फीलिंग होती है। पीनट्स जो होते हैं वो भी टोस्टेड होते हैं, पीनट्स दिख रहे हैं आपको। आपको ये खा के हल्का सा स्निकर्स याद आएगी, ऑल्दो स्निकर्स में और भी बहुत सारी लेयर्स होती हैं, बट जो पीनट का कैरेक्टरिस्टिक फ्लेवर आता है ना स्निकर्स में, वो आपको इसमें मिलेगा। तो अब आपको दिखाता हूँ ये हर्शीज की प्लेन मिल्क चॉकलेट, इसमें कोई स्टफिंग नहीं है, कोई फिलिंग नहीं है, तो मैं इसे एज इट इज ट्राई करने वाला हूँ। प्लेन सिंपल हर्शीज चॉकलेट, अरे वही है स्पेशल डार्क चॉकलेट, ये वही है जो मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ। पैकेट का साइज दिखाऊं आपको गाइस, यार ये देखो आप, $15 का पैकेट का साइज है। इंडिया में जब भी आपके अंकल चाचा जो भी आते हैं और आपको छोटे छोटे पैकेट्स में देते हैं, मास्टर स्टॉक यही है गाइस। तो इसमें चार तरह के फ्लेवर्स होते हैं, चार तरह की मैंने आपको नगेट्स दिखा दी, किसेस दिखा दी, तीन दो तरह की आलमंड किसेस और मिल्क चॉकलेट किसेस, डार्क चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी फिल्ड चॉकलेट, और आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये देखिए, ये है रीसेस फिल्ड चॉकलेट, ये देखिए यार, ये ऑरेंज कुछ पीसेस हैं, इसमें ऑरेंज कैंडी डली हुई है, हाँ ऑरेंज कैंडी डली हुई है। इसके अंदर शायद M&M's या जेम्स होती है ना हमारी, इसके अंदर एग्जैक्टली वही चीज डली हुई है शायद, मुझे ऐसा लगता है। और ये है दोबारा व्हाइट चॉकलेट के दीवानों के लिए, ये होती है हर्शीज, क्योंकि मेरी वाइफ को एक्चुअली व्हाइट चॉकलेट ज्यादा पसंद है, तो इसीलिए मैं व्हाइट चॉकलेट ज़्यादा कर रहा हूँ। बट ये देखिए आप, कुकीज क्रीम करके है, ये देखिए, ये इसकी जो फीलिंग है इसके अंदर कुकीज़ की फीलिंग है, और इसका जो बेस है शायद वो मिल्क चॉकलेट ही है, और अंदर है इसके कुकीज़। और ये कुकीज़ का फ्लेवर आ रहा है व्हाइट चॉकलेट के अंदर, अ फ्यू मोर टू गो। तो गाइस नेक्स्ट है जेम्स, ये यहाँ पे M&M's बोलते हैं, हर्शीज M&M's बनाती नहीं है, बट ये देखिए, ये इन्होंने वैलेंटाइंस डे के, मैंने
शूटिंग के चक्कर में, गिराने के चक्कर में जो आपने स्लो मोशन देखे होंगे उसकी वजह से थोड़ी टूट गई है। ये आप कितने भी स्नैक कर सकते हो, दीज आर दैट गुड। टाइम फॉर द फिनाले गाइस। ये किस, इसका किसका साइज देखो यार, जस्ट लुक एट द साइज ऑफ दिस किस, बहुत अमेजिंग है यार ये। मुझे लगता नहीं इसके अंदर कोई फिलिंग, ये प्लेन होने वाली है, सिंपल होने वाली है, बट ये वैलेंटाइंस डे स्पेशल है। और इसके इस किसका साइज देखो यार, इसके नीचे भी किस बनी हुई है देखो। दिस इज जस्ट अमेजिंग यार, ये देखो यार किसका साइज। तो यार ये इतनी हार्ड थी कि ये छोटे छोटे पीसीज में कटी है। साइज ये है किसका, और ट्राई करते हैं। तो गाइज यही है फिनाले किस, कैसी लगी आपको ये वीडियो प्लीज बताइए। बहुत सारे फ्लेवर्स ट्राई करे गाइज हमने हर्शीज के, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। मेरा पर्सनल फेवरेट कौन सा है, मेरा पर्सनल फेवरेट है गाइस डार्क चॉकलेट विद आलमंड, चाहे वो हो नगेट्स में, ये डार्क चॉकलेट विद आलमंड दिस इज माय फेवरेट, क्योंकि मुझे डार्क चॉकलेट पसंद है। अगर आपको कड़वी चॉकलेट पसंद नहीं है तो आपको ये पसंद नहीं आएगा। आप नॉर्मल मिल्क चॉकलेट के साथ जाइए, यू वोंट फेल विद हर्शीज। देखते रहिए इंडी फ्लेवर्स। कैसी लगी ये वीडियो प्लीज़ बताइएगा, और बहुत तरह की वीडियोज़ आने वाली हैं गाइस। टेक केयर, थैंक यू एंड कीप वॉचिंग इंडी फ्लेवर्स। We'll be right back.